मारुति सुजुकी की ये शानदार कार डेल्टा का आज रिव्यू करेंगे हम। बहुत ही ऑसम कार है यार, ये बहुत ही प्रीमियम लगती है मुझे, ब्लू कलर एंड सिल्वर कलर। तो आज इस गाड़ी का रिव्यू करने वाले हैं। बलेनो के अंदर, ग्रे कलर के अंदर जो डेल्टा आप देखते हो वो कुछ इस टाइप से उसका फ्रंट दिखाई देता है। यहाँ पे काफी सारे मैसिव चेंजेस किए गए हैं पुरानी बलेनो एंड न्यू बलेनो के अकॉर्डिंगली। तो सबसे पहले मैं नीचे से स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पे आपको एलईडी प्रोजेक्टर हैंडलैम्प देखने को मिल जाते हैं, काफ़ी बेहतरीन लाइट का लुक देखने को मिल जाता है। उसके अलावा अब जो इसके व्हील कैप हैं, व्हील कैप तो दिए नहीं गए हैं, नॉर्मल व्हील इसमें हैं, और ORBM के साइड में ही इंडिकेटर है। इसके अलावा आपको यहाँ पे क्रोम भी नहीं दिया गया है। और अंदर के इंटीरियर की तो अभी हम बात करेंगे, पहले चल और अच्छे से समझते हैं इसके फ्रंट को। इसके पास में डिज़ायर खड़ी है, इन दोनों पे कंपैरिजन वीडियो मेरे चैनल पे मौजूद है, आप देख सकते हो, विजिट कर सकते हो चैनल। चलो वापस आते हैं टॉपिक पे। आप जो ये बलेनो डेल्टा मॉडल देख रहे हो, ये भी काफ़ी बेस्ट है अगर आप बेस्ट मॉडल चाहते हो तो। इसके अंदर नॉर्मल आपको व्हील देखने को मिलते हैं, बाकी कोई व्हील कैप इस पर नहीं होता, कोई अलॉय व्हील नहीं होते, और साइड में इंडिकेटर मैंने बता ही दिया, ORBM के अंदर ही आपको एक साइड इंडिकेटर भी देखने को मिल जाता है। पीछे अगर हम रेयर पार्ट की बात करें तो रेयर में नेक्स का प्रीमियम लैम्प देखने को मिल जाता है, ऊपर एक एंटीना और फोर्थ पार्किंग सेंसर आते हैं बलेनो में, जैसा कि हम सभी जानते ही हैं। ऊपर एंटीना आप देख ही रहे हो, पीछे की लाइट्स काफ़ी कूल हैं। तो चलो, ये इसकी जो की है आप देख सकते हो, डेल्टा की आपको दोनों कीज में सेंटर लॉक मिलेगा। चलो एक बार इसको दोस्तों, एट दिस टाइम हम हैं बलेनो के अंदर, बलेनो के डेल्टा मॉडल वेरिएंट के अंदर हम बैठे हुए हैं। ये आपको उसकी की देखने को मिल जाती है, जिसमें दोनों कीज के अंदर आपको सेंटर लॉक देखने को मिलते हैं। और ये आपके सामने जो दिख रहा है ये है स्टेयरिंग, और स्टेयरिंग मुझे ये बहुत चीज़ खूबसूरत लग रही है यार। ये जो मीटर देख रहे हो ना आप, ये काफ़ी औसम लग रहा है ना। बीच में आना आपको क्या मिलेगा, ये देखने को मिलेगा गाड़ी का कोई डोर खुला हो तो वो चीज़ शो होगी अगर मैं की लगाऊंगा तो। तो बलेनो का इंटीरियर कुछ इस टाइप का है, ये कुछ बहुत अच्छी फीलिंग दे रहा है मुझे थोड़ी थोड़ी सी। ये बिल्कुल, मैंने अब तक की जितने भी रिव्यूज़ किए हैं बलेनो में, मुझे ना ये अलग ही देखने को मिला, मतलब थोड़ा सा उठा हुआ हाइडली सारी चीज़ें। अब ये डिग्गी खुली है, एक बार हम इसे बंद कर देते हैं फिर बात करते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम आपको यहाँ पे इंटीरियर देखने को मिल जाता है बलेनो डेल्टा का। डेल्टा के अंदर आपको यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन ज़रूर दी जाती हैं हर गाड़ी के अंदर। जैसा कि हम देख रहे हैं ये नेक्सा का ब्रांड है, और इसमें आपको क्या क्या मिलता है वो एक बार दिखा देता हूँ। जैसे बता दिया, टच म्यूज़िक सिस्टम आपको देखने को मिलेगा। टच म्यूज़िक सिस्टम के अलावा आपको यहाँ पे वो पार्किंग का बटन भी देखने को मिलेगा, एसी फ़ैन वगैरह ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। दो यहाँ पे, वहाँ पर एक, ऊपर एयर फिल्टर वगैरह, एसी फ़ैन, सब कुछ अवेलेबल है डेल्टा वेरियंट के अंदर हैं हम। यहाँ पर जो बटन है ये कोई शो ऑफ के बटन नहीं है, रियल बटन है, काम में आते हैं भाई। और यहाँ से आप लाइट्स को वगैरह को एडजस्ट कर सकते हो, देख रहे हो ना यहाँ पे इस तरीके से। डोर पे क्या दिया गया है, डोर पे आपको चाइल्ड लॉक वगैरह दिए गए हैं इसी वेरिएंट के अंदर, ये सारी चीज़ें आपको दी गई हैं। यहाँ से आप अंदर देख सकते हो, यहाँ से आप फ्यूल टैंक ओपन कर सकते हो, और यहाँ से आप डिक्की ओपन कर सकते हो नॉर्मली इसको स्पंज करके, मतलब इसको पुश करके, ठीक है। नीचे आप मैटिंग वगैरह लगवा सकते हो विद द पार्ट ऑफ एसेसरीज, और सीट कवर ब्लैक दिए गए हैं। पीछे आपको पार्सल ट्रे देखने को मिल जाती है, इसी के अंदर पार्सल ट्रे आपको देखने को मिल रही होगी। यहाँ पे आप छोटे मोटे बैग्स वगैरह कैरी कर सकते हो, और आपकी फैमिली की नहीं है, मतलब कि यहाँ पे भी आपको लैम्प दिया गया है ताकि उजाला बरकरार रह सके भाई साहब। ड्राइवर्स की नहीं है यहाँ पे, आपको सनवाइजर, वहाँ को ड्राइवर की नहीं, ऑल्सो सनवाइजर। इसके अलावा यार ORBM बिल्कुल नॉर्मल है, आप देख ही सकते हो। और यहाँ पे आपको ना ये चीज़ जो देख रहे हो आप, ये एक सॉफ्ट आपको गद्दा सा दिया गया है, जिसमें हैंड रेस्ट जिसे बोलते हैं, यहाँ पे आप हैंड रेस्ट कर सकते हो, हाथ को आराम रिलैक्स फील करा सकते हो। चार्जिंग के दो सॉकेट आपको दिए गए हैं, एक में तो USB लगा हुआ, एक एडिशनल आप चार्जर बाय करके लगवा सकते हो, ठीक है। और ये सारी चीज़ें आप मैनुअल भी, आपको म्यूज़िक सिस्टम दिया गया है, एसी का जो स्विच है वो यहाँ दिया गया है, और म्यूज़िक ऑफ करने का, यहाँ पे ऑटो वगैरह एडजस्ट करने की सारी चीज़ें। नो केयर बहुत प्यारा लग रहा है मुझे इसका। इसी के पास में आपको दो बोतल्स कैरी करने के सॉकेट मिल जाते हैं, और काफ़ी अच्छा एक लग रहा है मुझे, लाइक हाँ मैं अच्छी कार में बैठा हूँ। चार स्पीकर आपको देखने को मिल जाते हैं, फर्स्ट स्पीकर यहाँ पे,
देन सेकंड स्पीकर आपको वहाँ पे देखने को मिल जाता है, पीछे ऑल्सो दो स्पीकर, और पीछे दोनों विंडो, दोनों जो डोर्स हैं उन पे भी आप ये देख सकते हो हैंड रेस्ट आपको दोनों जगह देखने को मिल जाता है दोनों डोर्स के ऊपर। तो बलेनो भी काफ़ी अच्छी कार लगती है, बट हाँ ये है कि इसमें अंदर बैठने वाले को थोड़ा सा ऐसा लगता है ना कि थोड़ा सा मतलब जो है तो अंदर गड्ढे में बैठ गया हो, क्योंकि गाड़ी के ना जो वो है ना बिल्कुल डाउन फ्लो है, मतलब प्रीमियम करने के लिए अच्छी भी लगती है गाड़ी, बाहर से लोग ऑसम देती है, प्रीमियम लगती है यार बहुत ज़्यादा, बट गाड़ी अगर आप बैठोगे ना आपको थोड़ा सा ऐसा लगेगा, फील होगा कि यार मैं दब गया हूँ हल्का सा। ठीक है यार, बाकी ऑल द बेस्ट। पार्ट ऑफ बलेनो में आपको और कलर देखने को मिल जाते हैं, जैसे ग्रे कलर नंबर 1 पे है, उसके बाद आपको सिल्वर कलर आपको देखने को मिल जाता है, फिर देन आपको ब्लू कलर देखने को मिल जाता है नेक्स्ट का प्राइम ब्लू कलर, उसके बाद आपको पैरेलल आर्टिक वाइट कलर देखने को मिल जाता है, फिर ओपलेंट रेड कलर देखने को मिल जाता है, देन बलेनो का लक्स ब्रिज कलर भी आपको फाइनली 6 कलर देखने को मिलते हैं।